कोई बहुत बड़ा हादसा हो जाए दक्षिण भारत, ठीक, आपका दक्षिण भारत में कोई रहने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, आपको तो पता भी नहीं कोट्टयम है कहाँ, कहाँ है वैसे कोट्टयम, छोड़ो, लेकिन व्हाट्सएप पे मिलेगा मामला तो तुरंत आप उसे फॉरवर्ड करना शुरू कर दो। अब अगर वो दो घंटे चार घंटे अगर आप रुक जाएं तो कोई पहाड़ तो नहीं गिरेगा ना। परसों एमडीएच के जो मालिक हैं उनके साथ क्या हुआ, किसी एक आदमी ने भी उनके घर फोन करने की जरूरत नहीं महसूस करी जहां से वो ओरिजिनेट हो रहा था कि भैया वो जिंदा है। बस व्हाट्सएप आपने वेबसाइट पर देखा, फलानी वेबसाइट पर आया है, बहुत बढ़िया आया होगा, मतलब ठीक ही। तो यानी कि आपके लिए भविष्य में करियर ऑप्शन खुलने वाला है एडिटर फैक्ट चेकर, जो आज नहीं तो कल हर अखबार और चैनल में रखना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी तो क्या है कि आपको, अच्छा वीडियो आ गया, लगाओ, अभी काजी भाई आपको दिखाएंगे कि मुंबई में ओखी तूफान में मरली सीलिंग पे इन लोगों ने ओले गिरा दिए और फोनो हो गया और पता पड़ा कि वो वीडियो मुंबई का क्या, भारत का ही नहीं था, वो यूरोप का, हर चैनल ने चला था। तो फेक न्यूज से कोई नहीं बचा। अब तो ये तो हो गया बैकग्राउंड कि आप अगले एक घंटे मुझे क्यों सुन, और आप इसमें कितना फंसे हुए हैं इसकी बांगी, मेरे पास एक छोटा सा पीपीटी है, मैं आपको बताऊंगा और हम क्या कर सकते हैं। देखिए बहुत सारी हरकतें हैं जो आप संभाल सकते हैं करके, आप सारे युवा लोग हैं, जवान लोग हैं, और आप सबको बड़ा मज़ा आता होगा फेसबुक इस्तेमाल करने का, कि जब आप लिखें फीलिंग लोनली विद 49 अदर्स होता है ना? तो भैया ये डिसाइड कर लो कि दुनिया को बताने के लिए लोनली हो कि जिसके लिए लोनली हो उसको फोन कर लो, ठीक। ये जो साइकी है परेशानी का जड़ ये है कि ये जो फलनमा अगर लोनली फील कर रहा है तो हम क्या करें, हमको क्यों दिखाया जा रहा है। लेकिन यही फेसबुक और व्हाट्सएप की माया है। एक और इंटरेस्टिंग चीज आप देखते हैं कि सुबह जब आप उठते हैं तो व्हाट्सएप में फीचर है स्टेटस का, है ना, डेली आपकी जो स्टेटस पर आता है दुखी परेशान लव, क्या हमारा जीवन क्यों नरक कर रहे हो, क्यों दुनिया को बता रहे हो कि दुखी हो खुश हो, उनको बताओ जिससे फर्क पड़ता है, जिनके लिए आप हैं। और यही वो जो चीजें हैं इनका जो विस्तृत रूप है वो आपको, अब बोर तो नहीं हो रहा ना, मजा ना है तो पैसे वापस। तो ये जो चीज है ये जरूरी है आपको समझने के लिए कि आपको पहली चीज तो ये कि आप अपनी सोशल जो एक्टिविटी है उसको आप व्यवस्थित करें, वरना आपका अगर मैं फेसबुक अकाउंट पा गया या यहाँ से बड़े खिलाड़ी बैठे हुए हैं काजी पा गए तो हम 5 मिनट में आपकी कुंडली निकाल देंगे कि आप किसकी फोटो को सबसे ज्यादा लाइक करते, किस पर आपने सबसे ज्यादा कमेंट किया। तो फेसबुक महीने में एक बार बताता है ना, हम लोग डेली का कुंडली दे देंगे, भैया ये क्या मामला है, इसके पीछे काहे पड़े थे, क्यों दे लाइक दे लाइक दे लाइक। तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप सोशल मीडिया पर क्यों, नेटवर्किंग के लिए, ब्रांडिंग के लिए, या यारी रिश्तेदारी निभाने के लिए। यारी रिश्तेदारी निभाने के लिए हैं तो अपनी फोटोग्राफ्स, पर्सनल फोटोग्राफ्स, चेक इन्स मत डालो, उससे किसी को मतलब नहीं, आप वल्नरेबल हो रहे हैं, आप प्रिडिक्टेबल हो रहे हैं, जो कि भारत जैसे देश में ठीक नहीं है भाई, मतलब अन्यथा ना लिया जाए तो एयरपोर्ट की सेल्फी चले उड़े, अब सारी दुनिया को पता पड़ गया कि आप यहाँ से गए, यहाँ पर हैं, अभी आप हैं नहीं। और हम जिस खतरनाक समाज में रहते हैं कौन कैसे तड़ रहा है आपको पता भी नहीं पड़ेगा, अच्छा दिल्ली गए हैं, छुट्टी ली है कि नहीं ली है, मामला ये है कि अर्जेंसी इमरजेंसी, हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं ये सारी की सारी चीजें, स्क्रीनशॉट्स कब कौन मीटू आप देख ही रहे हैं, कैसा कैसा खेल हो रहा है संस्कारी बाबा आलोकनाथ जी वगैरह, तो ये दुनिया बहुत खतरनाक होती जा रही है अगर आप इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं डील करेंगे। तो पहली जो चीज़ है कि फेक सबसे ज़्यादा व्हाट्सएप पर आपको जो परेशानी वाली चीज़ मिलती है वो मिलती है फोटोग्राफ्स, डेली आपको फोटोग्राफ्स मिलते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि इन फोटोग्राफ्स
तो हम कैसे जाने कि ये सही है कि नहीं सही। पहली चीज तो ये कि गूगल की इस दुनिया में ये बता पाना बड़ा मुश्किल है कि जैसे फेसबुक में एक फीचर है कि आपने तस्वीर डाली और उस पर आप टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं, फिर वो जेपीजी इमेज में आपको मिल जाएगा। तो तस्वीर को जांचने का तरीका ऑलरेडी गूगल ने दे दिया है पर लोगों को नहीं पता। जैसे आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप टाइप करते हैं और फिर गूगल करोड़ों पन्ने दिखा देता है, वहाँ पर फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है कि आप किस चीज़ की तलाश हैं। उसी तरीके से वो फैसिलिटी फोटोग्राफ्स के लिए भी है। एक जो फैसिलिटी है, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप उसमें बोल सकते हैं गूगल रिवर्स इमेज सर्च का जो ऑप्शन है, आप में से हो सकता है कि कुछ लोग जानते हों कभी इसका इस्तेमाल किया हो, पर फिलहाल भारत में गूगल है रिवर्स इमेज सर्च। अगर आप और एडवांस सर्च करना चाहते हैं तो एक सर्च इंजन है रशियन यंडेक्स। आपको पता है कि गूगल दुनिया के सारे देशों में नहीं है। मान लीजिए कि कोई चाइनीज़ फोटो है जो वायरल की गई, यानी कि जो उसका कॉन्टेक्स्ट है मेन कॉन्टेक्स्ट है चाइनीज़, उसको बदल के इंडियन कर दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट कर दिया गया, तो जब आप गूगल में रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो शायद फोटोग्राफ्स ना दें, तो आपको बाइडू पर जाना पड़ेगा। तो ये तीन बड़े प्रोमिनेंट सर्च इंजन है गूगल जिनकी हम बात कर रहे हैं। यंडेक्स रशियन है और बाइडू चाइनीज सर्च इंजन है जो कि आपको रिवर्स इमेज सर्च करने की फैसिलिटी देता है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं दलाई लामा और महात्मा गांधी को दिखाने का दावा करने वाली एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई। ये तस्वीर आपको क्या लग रहा है, ये सच्ची तस्वीर है झूठी तस्वीर? आप कुछ आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। फेक न्यूज़ को डील करने के लिए ज़रूरी है कि अगर आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं तो आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें कॉमन सेंस से सुलट सकती हैं और आप उसी वक्त देन एंड देयर फाइनल कर सकते हैं कि ये फेक न्यूज़ है, लेकिन चूंकि हम पढ़ते वक्त भूल जाते हैं कि हमें आगे भी इसका इस्तेमाल करना है, ये तस्वीर गलत है। अब अगर आप इस तस्वीर को गूगल इमेज सर्च पे डालेंगे, इमेज सर्च कैसे करना है आपको, ये जो कैमरा आप देख रहे हैं इस कैमरे पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फोटोग्राफ जो आप डेस्कटॉप पर कैमरा लगा हुआ है उससे आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं, या आपके डेस्कटॉप पर कहीं वो तस्वीर है आपने सेव की है आप उसे अपलोड कर देंगे, यानी कि वो तस्वीर गूगल के डेटाबेस में चली जाएगी और गूगल अपने डेटाबेस को सर्च करके ये बताएगा कि वो तस्वीर सबसे पहली बार इंटरनेट पर गूगल के पोर्टल पर सबसे पहली बार कब आई। तो जब आप ये तस्वीर डालेंगे तो आपको ये न्यूज़ का लिंक मिलेगा, ये तस्वीर नहीं मिलेगी, यानी कि अभी ये गूगल के पास एग्जैक्टली ऐसी कोई तस्वीर नहीं आई। और ये तस्वीर ये न्यूज़ लिंक है हिंदुस्तान टाइम्स का जो कह रही है आई मेट गांधी माई ड्रीम। दलाई लामा कह रहे हैं कि मैं गांधी से मिला जरूर हूँ लेकिन सपने में, जैसा कि ये तस्वीर दावा कर रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर भारत के इतिहास के बारे में पता है तो भी आप समझ जाएंगे कि दलाई लामा और महात्मा गांधी का जो टाइम पीरियड है वो उतना मैच नहीं कर रहा जितने बड़े दलाई लामा तस्वीर में दिखाए जा रहे हैं। लेकिन अगर आप उतना आपको नहीं आता है तो आपने रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा, यानी कि सिर्फ रिवर्स इमेज सर्च आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं देगा, उसके आसपास की चीज़ें देगा। तो अब आपको ये मिल गया कि हिंदुस्तान टाइम्स का एक खबर है जिसमें इसी तस्वीर के वायरल होने के बाद उनसे उनकी राय पूछी गई थी और उन्होंने ये कहा। अब आप ये एक तस्वीर और देख रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री की झूठी तस्वीर, देखो देशद्रोहियों गद्दार कौन, खेल हर जगह है। ये मत कहिए कि कोई एक पार्टी या कोई एक पक्ष जो है वो साफ सुथरा है, सब बराबर के इसमें भागीदार है। ये तस्वीर बता रही है कि काफ़ी सही चीज से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। कॉमन सेंस आप अप्लाई कीजिए कि अगर ऐसा हुआ होता तो वो कितनी बड़ी खबर बनती, पर आपने किसी अखबार में नहीं देखा, किसी चैनल पर कोई डिबेट नहीं सुनी और आपको एक सीधे तस्वीर भेज दी गई। लेकिन अगर आप उतना कॉमन सेंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको रिवर्स इमेज सर्च अप्लाई करना पड़ेगा और फिर आप ये डालेंगे जब तस्वीर तो आपको पता पड़ेगा कि ये तस्वीर जो है वो गूगल के
उस डेटाबेस से मिलती जुलती है जब नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान गए थे, और आपको वो स्टोरी भी नीचे मिलेगी कि इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी एक सरप्राइज विजिट टू पाकिस्तान, बीबीसी न्यूज, और ऊपर यूट्यूब का कोई मामला है तो बीबीसी आपके लिए ज्यादा क्रेडिबल है ना, तो आप बीबीसी की उस लिंक को अगर क्लिक करेंगे तब आपको एक स्टोरी मिलेगी और वैसी ही तस्वीर मिलेगी कि तो मामला जो है वो ये हो गया कि ये तस्वीर असली है और उसमें हाफिज सईद को नवाज शरीफ की जगह हटा करके मौत किया। आगे बढ़ते हैं, ये आपके पास एक तस्वीर है, इतनी हवस की मुनाफी कुत्ता भी है, जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हैं और कुछ विदेशी नतंगनाए हैं, और इसको वायरल किया गया कि भारत के पहले प्रधानमंत्री डांसरों के साथ। नेहरू जी की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी, देखी, और आपका मन क्या कहता है कि वो सच्ची है कि झूठी, आपका क्या कहता है बताइए। एक देश की जो पढ़ी लिखी जनता है वो कंफ्यूज हो गई, ये है फेक न्यूज का असर, आपकी पढ़ाई लिखाई ज्ञान सब किनारे हो गया है और आप क्लियर ही नहीं है कि आपके जो पहले प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उनके चरित्र के बारे में इतनी तरीके की बात की गई, और चरित्र के बारे में अगर हम बात करने पर आए तो सबके जीवन में कुछ ना कुछ स्याह सफेद है, लेकिन वो ऐतिहासिक तथ्य नहीं, ठीक है ना, पर यहाँ पर तथ्यात्मक रूप से इतनी बातें की गई, हमने सुना है, हमने देखा है और अब हमने मान लिया। बहरहाल अब जब इस तस्वीर के साथ हम रिवर्स इमेज सर्च करते हैं तो आपको एकदम उसी तस्वीर से मिलती जुलती एक न्यूज का लिंक मिलता है, डॉक्टर मैक्रो, और जब आप उस लिंक को खोलते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि असली तस्वीर ये है और पीछे नेहरू जी को मॉक करके फोटोशॉप करके फिट कर दिया गया है, और इस तरीके से जो मामला है वो एक रॉन्ग प्रोजेक्शन कर दिया गया देश के प्रधानमंत्री के, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में। जब कर्नाटक इलेक्शन चल रहे थे तो ये एक खबर वायरल हुई थी कि लिंगायत चर्च है कर्नाटक में, आपको पता है कि लिंगायत कम्युनिटी बार बार इस बात की डिमांड कर रही थी इलेक्शन से पहले भी कि उन्हें हिंदू रिलीजन से अलग माना जाए, और इस चीज़ ये एक बड़ा मुद्दा था, और इसको एक पॉलिटिकल पार्टी ने खासा वायरल किया, और ये तस्वीर खासी चली, ये स्लाइड नहीं चल रही है, पहला जब आप इसे रिवर्स इमेज सर्च करेंगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा ये चर्च है, ये तस्वीर भी सही है लेकिन ये चर्च कर्नाटक में नहीं है, मुंबई में। अब ये एक तस्वीर है, तीन तस्वीरें दिख रही हैं आपको, इसमें कौन सी सही, अच्छा एक साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई भी सही नहीं है, इसमें एंजेला बीच में होंगी, और ये तीन की तीनों तस्वीरें गलत, सीट बीच वाली तो खाली है, असली जो तस्वीर है। बहुत सही पकड़ा है आपने, एग्जैक्टली ये सीट खाली है और तभी ये तस्वीर इतनी ज्यादा वायरल हुई क्योंकि एक स्पेस मिल गया किसी को भी बैठाने का और वो एकदम रियल लगता था। फिर आपने इसको गूगल रिवर्स इमेज सर्च किया और उसके बाद फिर आपको जो परिणाम मिला वो कुछ इस तरह का है कि ये खाली है और हमारे मोदी जी को बैठा दिया गया है वहाँ, ये एम्बर G20 का जो समिट थी उसका। अब आप ये बताइए कि जो फेक न्यूज़ है वो आपके जीवन में कितना गहरा असर डाल रही है, और ये सारा का सारा मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, डिस इन्फॉर्मेशन है, ये जानबूझ करके किया जाता है। अगर आपको इसका जवाब देना है तो आपको समझदार बनना होगा। पहली चीज़ ये कि कोई भी चीज़ फॉरवर्ड मत करें एक्सेप्ट कि जो आपसे रिलेटेड ना हो, क्यों, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है कि हो सकता है कि कल को आपके लिए भी कोई चीज़ ऐसे ही वायरल करने की कोशिश की जा रही हो, और अगर सारे लोग इस अप्रोच से चलेंगे तो आप बदनाम होने से बच जाएंगे। हर चीज़ जो आपको व्हाट्सएप और फेसबुक पर मिले उसे आगे मत बढ़ाइए।